मुख्यमंत्री के पास अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा। बैठक के बाद जेडीयू नेता बोले, मुख्यमंत्री को 2024 में पीएम बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद छपरा से आए जेडीयू नेता मोहम्मद फैजाल आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए बनाई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में उनके पास अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है। सीएम ने किसी के बहकावे में न आकर उनका साथ देने की बात कही है। बैठक के बाद सभी अल्पसंख्यक नेता कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं और आगे भी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट जिताने का काम करेंगे और 2024 में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना है। सीएम आवास पर हुए इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही मुख्यमंत्री निवास पर मुस्लिम नेताओं की भीड़ जुट गई थी। इस दौरान जदयू से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने जाति गणना के आंकड़े जारी करने को लेकर नीतीश कुमार की उपलब्धि बताई। समस्तीपुर से आए बिहार प्रदेश जदयू के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद शकील ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आमतौर पर कहा कि केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद जाति गणना करवाई है। औरंगाबाद से आए जिलाध्यक्ष मुमताज अहमद ने कहा कि देश में भाईचारा को आरएसएस द्वारा खत्म किया जा रहा है। समस्तीपुर जिला मुख्य प्रभारी रिजवान ने कहा कि बिहार के कोने कोने से अल्पसंख्यक मीटिंग में पहुंचे थे। पिछले दिनों गांधी जयंती के मौके पर राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या 17.70% थी। बताया गया है कि राज्य में समुदाय दूसरे नंबर पर है। ऐसे में किसी चुनाव को जीतने के लिए समाज का सपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें, चले लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा हुई है और बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। बता दें चले आपको, इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को 2025 में फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।